जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे, आप जो ये सीलिंग फैन देख रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास ढेर सारा सीलिंग फैन है, इसको किस तरह से वाइंडिंग किया जाता है और कौन सी फैन में कितना नंबर वायर गेज वगैरह चलाया जाता है ताकि फैन सबसे अच्छा और शानदार हवा दे सके। क्योंकि साथियों, आप लोग तो पंखे को वाइंडिंग कर देते हैं लेकिन साथियों जत्र तत्र वाइंडिंग करते हैं और इसका सही डाटा आप लोग यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से दोस्तों फैन में गति ही नहीं बन पाता है और न ही हवा दे पाता है। तो आज साथियों हम आपको, चाहे वह किसी भी प्रकार का सीलिंग फैन क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, सभी का डाटा आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यह ट्रिक दोस्तों सबसे बेहतरीन ट्रिक है, अगर आप लोग इस टेक्निक से फैन को वाइंडिंग करते हैं तो आपका फैन बहुत ही शानदार हवा देगा। और मैं दोस्तों बताता हूं कि मैंने इस पर 4 साल एक्सपीरियंस किया हूं और इस डाटा को मैं कनेक्ट किया हूं। यह डाटा आप लोगों के लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने साथियों लोग को भी बता देता हूं ताकि फैन को अच्छी तरह से वाइंडिंग कर सकें। तो आइए दोस्तों, अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ और बतलाता हूँ। और देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो देखने के बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और दोस्तों साथ में लाइक करना मत भूलिए। अगर दोस्तों आप लोग हमको इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक देते हैं तो साथियों मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं मरा हुआ फैन को इस तरह से चला दूंगा, ऐसा डाटा दूंगा कि वह शानदार हवा देगा और चलेगा। और मुझे आप ढूंढिएगा कि नहीं, बंदे ने मुझे सही बात बता करके गया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सीधे पंखे के विषय में कुछ समझाता हूं और आप लोग गौर से समझिए, क्योंकि साथियों मैंने जितना भी डाटा देता हूं सब सटीक और 100% जेन्युइन डाटा आप लोगों के लिए ही लाता हूं, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि मेरे साथियों को अच्छी से अच्छी डाटा मिल सके ताकि वह हमारे साथ जुड़ करके रहें। तो आइए अब सीधे चलते हैं और दिखलाते हैं साथियों। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस प्रकार की स्टंपिंग रखा हुआ है, यानी कि अलग अलग पंखे का और अलग अलग साइज का स्टंपिंग रखा हुआ है। और साथ में दोस्तों मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि ये जो स्टंपिंग आप देख रहे हैं साथियों, इसमें देखिए कितना खूबसूरती के साथ इसको वाइंडिंग किया गया है और आपको ये बीच में गैप दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, और देखिए ये आर पार दिख रहा है। मैं कोई फेक जानकारी आपको आपके सामने नहीं दे रहा हूँ और कोई ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं रियल दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गैप बना हुआ है, जबकि दोस्तों इसमें टर्न्स भी इतना लगा हुआ है कि आप चौंक जाइएगा। और इसको दोस्तों किस फैन पे वाइंडिंग किया गया है आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बतलाइए, क्योंकि दोस्तों इस तरह का खूबसूरत वाइंडिंग किस मशीन से किया गया है इसको आपको बतलाना ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप लोग जान जाइएगा कि इसे किस मशीन पर वाइंडिंग किया है तो आप लोग ज़रूर हमें कॉमेंट कीजिएगा और बोलिएगा कि नहीं ये गलत है या सही है आप। लेकिन दोस्तों इसका ये देख लीजिए, मैं आपको कैमरे को नज़दीक करके भी दिखला रहा हूँ, देखिए कितना सारा गैप है और इसका बेहतरीन वाइंडिंग देखिए। और दोस्तों इसमें कितना नंबर तार से किए हैं और इतना खूबसूरती के साथ और इतना टाइट, आप देख सकते हैं दोस्तों कि फैन दबेगा नहीं। अगर साथियों आप लोग सामने रहते ना तो आप लोग ज़रूर बोलते कि नहीं सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, देखिए ये दबेगा नहीं और एकदम बिल्कुल टाइट है दोस्तों। और साथियों अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक फैन और मेरे साथ लगा हुआ है, तो आप लोग जरा वीडियो को गौर से देखिए, यहां हम दिखा रहे हैं और वहां भी देखिए। अब तो दोस्तों इसमें कोई फेक आइडिया नहीं है आपके पास, तो इसमें भी देखिए साथियों मैंने इसको वाइंडिंग किया हूं और अपने ही द्वारा बनाए गए होममेड देसी जुगाड़ मशीन से ही वाइंडिंग करता हूँ, आप देखिए। और इसके अंदर भी आपको गैप दिखाई देगा और साथियों इसमें कितना नंबर वायर गेज चला हुआ है सारा कुछ आप लोगों को देंगे, बस आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करें तथा एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तो आइए अब आपको मैं सीधे इसके विषय में बतलाता हूं। क्यों आपने अभी देखे कि हमने किस प्रकार से अपने ही द्वारा बनाए गए होममेड सीलिंग फैन कॉयल वाइंडिंग मशीन से कॉयल बनाता हूँ और आपको मैं दोनों तरफ से दिखाता हूँ क्या बेहतरीन इसका फिनिशिंग होता है। तो साथियों इसमें हम अल्मोनियम से बना ले या कॉपर से बना ले कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सबको मैं लाजवाब फिनिशिंग देता हूं। और दोस्तों साथ में इसमें काउंटिंग मीटर भी लगा हुआ है। तो अब आइए दोस्तों, किस फैन में कितना नंबर वायर गेज चलाते हैं ये बात सबसे पहले जान लीजिए
साथियों मोटा मोटी की मैं बात कर रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पतला स्टंपिंग है, यानी कि ये 12 mm से लेके 13 mm के बीच में है। दोस्तों आप 10 mm से लेकर के 13 mm तक की जितना भी पतला स्टंपिंग पंखा आता है और छोटा स्लॉट हो तो उसमें साथियों आप लोग यही डाटा यूज करें, क्योंकि ये डाटा आपके फैन को लाजवाब और शानदार हवा देने का काम करेगा। यानी कि दोस्तों इसका जो होगा तो सबसे ज्यादा पिकअप होगा और हाई स्पीड में फैन चलेगा साथियों। और दोस्तों जब आप फैन को वाइंडिंग कर देते हैं तो उस समय दोस्तों आपको दोनों ऊपर और नीचे का वायरिंग भी चेक कर लेना है, अगर खराब हो तो बदल दे, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और साथ में दोस्तों कैपेसिटर भी चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों समझिए कि सबसे पहले इसकी मोटाई को आपको मापना है। अगर दोस्तों 10 mm से 13 mm के बीच है तो आप लोग यही डाटा यूज कीजिएगा, चाहे वह 12 स्लॉट की पंखा हो या 14 स्लॉट की पंखा हो। तो साथियों इसमें हमने कॉपर वायर गेज नंबर 36 चलाए हुए हैं, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज 36 है। और दोस्तों ये स्टार्टिंग में जो आपको टर्न्स देना है वह 385, तो रनिंग में आपको वायर गेज सेम रहेगा, यानी कि 36 नंबर ही वायर गेज रहेगा। और टर्न्स जो रहेगा दोस्तों 410 रहेगा प्रत्येक स्लॉट में। और दोस्तों इसमें कैपेसिटर आप 25 का यूज कीजिएगा। और दोस्तों इसमें जब आप इसको अच्छी तरह से वाइंडिंग कर लेते हैं तो जहाँ पे दोस्तों इसका दोनों लूप यानी कि दोनों सिरा निकलेगा उसके बीच में दोस्तों ये लॉक पेपर जरूर डाल दें। और दोस्तों साथ में ध्यान रखें कि पंखे की फिनिशिंग थोड़ा अच्छी हो और बीच में थोड़ा सा गैप भी बने, ताकि पंखे का एक दूसरे में कॉइल अगर टच न करेगा तो आपका स्पीड प्रॉपर बना रहेगा और पंखे का लास्टिंग ज़्यादा होगा। वैसे अगर दोस्तों सट भी जाएगा तो फैन का तो स्पीड रहेगा, लेकिन हीटिंग दोस्तों ज़्यादा करता है और उसका कॉइल का लाइफ घट जाता है। अगर बाय द वे एक घर में अगर आपका शॉर्ट लगता है, फूकता है, तो दूसरा भी चले जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा गैप रखिए तो फैन आपका बेहतर चलेगा। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपने अभी 13 mm 14 स्लॉट 36 नंबर कॉपर वायर से वाइंडिंग डाटा सीखे हैं। आप लोग दोस्तों एक बार इसको वाइंडिंग करके देखिए मेरे दिए हुए डाटा से, और उसके बाद दोस्तों फिर आप हमें कमेंट करके बताइए कि पंखा कैसा चल रहा है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका फैन बहुत ही शानदार चलेगा और अच्छा हवा देगा। तो दोस्तों मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मोटी वाली जो स्टंपिंग होता है, यानी कि मोटी वाली 12 स्लॉट हो या 14 स्लॉट हो, सभी का एक ऐसा डाटा दे दूंगा कि आप लोग लाइफ टाइम उसी डाटा को यूज करते रहिएगा और पंखे सबसे शानदार मूविंग करेगा और हवा भी अच्छा देगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि अभी तक आपने वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। अगर दोस्तों वीडियो प्यारी लगे तो आप लोग हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि 500 का लाइक का टारगेट है, तो 500 का लाइक का टारगेट पूरा करेंगे। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट फैन में किसी नेक्स्ट डाटा के साथ और एक बेहतरीन डाटा के साथ। तो जय हिंद, धन्यवाद।